संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है, उसमें गिरिराज जी ब्रज मंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है, और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है। कुष्टि मार्ग के जहाज उद्धव जी के अवतार महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 125,000 पदों की रचना ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लमपुर का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से भी यहाँ आकर विराजे, और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही है, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है, पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त राष्ट्रभक्त भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग वैष्णवजन सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें ऐसी है। विनय पत्रिका ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा। ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सदगुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे 18 पुराणों पर पुराणों का सार सर्वस्व फल रूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतकरण का ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से धाम के प्रधान ग्वारिया हुए। यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वनाथ पालक कृपालुचित। कृपालुचित विश्वनाथ ग्वारिया हैं, गोपालक हैं। यही ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने प्रधान गोपराज पद पर शिवजी का अभिषेक किया, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। कृपालुचित भगवान विश्वनाथ काशीपुरी का पालन करते हैं, काशी वासियों का पालन करते हैं। और गिरिजा अन्नपूर्णा बोले, लालति नित गिरिजासी सिमर जैसी। पालन तो पुरुष करता है, लालन माताएं करती हैं। पालन और लालन में अंतर है, पालन लालन में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। पुरुष वर्ग सारी व्यवस्था जुटा देता घर में चौका चूल्हे की, और माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, इसलिए तो उनको गृहलक्ष्मी कहा जाता है। 5-10 किलो शक्कर घर में होगी, उसके पहले ही से हल्ला मचाने लग जाएंगी, शक्कर खत्म है, शक्कर है ही नहीं। फिर कोई आ जाए तो कह देना कि चाय बना के पिलाओ, कहाँ से लाएंगे, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हाँ हाँ दांत निकाल दोगे, यहाँ से कटेगी हमारी नाक, कट जाएगी हमारी। स्टॉक खत्म नहीं होने देती है, इसलिए उनको गृहिणी कहा जाता है। ग्रहणाति धान्यादिकम इति गृहम, धान्यादिकम ग्रहणाति, और उसको जो संचित करे उसका नाम गृहिणी है। इसलिए घर को घर नहीं कहा गया, घर तो घर है, उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सूखे शंख बजाओ। पर गृहिणी हो तो घर में एकदम समृद्धि रहेगी, है? इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हमारे यहां महात्माओं के यहां बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो जाता है, कोई कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, ऐसा रहता है। इसको हम लोग कहते साधु साई, हक्कड़ साई, और गृहस्थों में छोटे छोटे घर होते हैं, और छोटे घरों में भी माताएं बर्तनों को भी ऐसा सजा देती हैं, ऐसी कटोरी फिर कटोरी के ऊपर कटोरी, ऐसी बढ़िया सजा देंगी, गिलास सजा देंगी, थाली सजा देंगी। महाराज गुजरात में तो हम देखते थाली कटोरी गिलास सजे रहते हैं, है? चीज को व्यवस्थित रखना, संभार के रखना, सुसज्जित करना, ये सब लालन में है। पालन तो पुरुष करता है, पर लाड़ पूर्वक जिमाने का काम जो है वो तो माताएं करती हैं। धीरे धीरे भारतीय प्राचीन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वो सुख भी धीरे धीरे चिंता चला जा रहा है। महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मां जीवित रहती थी तब तक उनकी पत्नी उनको परोसने नहीं आती थी। ध्यान में ही बात, पत्नी ही ने ही बनाया है, पर परोस कर जिमाती थी मां, क्योंकि मां जितने लाड़ प्यार से जिमाती है वो वात्सल्य भरी दृष्टि से उन पदार्थों को देखती है, और पुचकार करके जो कुछ खिलाती है
वो पदार्थ नहीं, वो वस्तु नहीं, वो अन्न ही अमृत बन जाता है, वो सुख छिन गया। अब संतान ही ज्यादा नहीं है, एक ही लाला एक ही लाली है, लाली कर पढ़ रही बेंगलोर में पढ़ रही है, लाला पढ़ रहा हो कहां, बोले अमेरिका में चलो गए हो, मैया बाप घर में, मैया बाप कहा कर रहे हैं, बोले वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते, वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते। अब इनसे पूछो भैया तुम कमाते किस लिए हो, हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत विचित्र स्थिति है। अभी इस महामारी के संकट में अपने एक प्रेमी के भाई इटली में इसी बीमारी से चले गए, लेकिन यदि वे निकट होते तो कम से कम एक बार उनसे मिलते जुलते हाल चाल लेते। अरे परिवार का कोई एक सदस्य अंतिम संस्कार में दूर से ही सही सम्मिलित हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। संयुक्त परिवार का सुख छिन गया है। माताएं जितने लाड़ प्यार से जिमाती हैं उतना लाड़ प्यार उनमें ही संभव है, दूसरे में उतना संभव ही नहीं है। मैया यशोदा बोली, लाला, हाँ मैया, देख कालिंदी पुलिनो दरेसु मुशली यावत गतक खेली तुम, मुशली मूसरवारो दाऊ दादा, जब तक जमुना जी के पुलिन में खेल वे गयो है, तावत करबुरी का पय पिव हरे, अरे चितचोर कन्हैया तब तक तू कबरी गैया को दूध पी ले, बढ़िया कमोरी में ओटायो भयो, अधोटा सुंदर मिश्री और केसर पड़ो भयो, दूध तू जल्दी सो पी जा। क्यों? ठाकुर जी बोले क्यों पी जाऊं, बोले दाऊ गयो खेलवे बाके आयवे के पहले पी जा। ठाकुर जी बोले दाऊ, दाऊ ते कहा भय, बोले देख दाऊ कितनो बलिष्ठ है, वो तुरंत सवरो दूध पी जाएगा, तू देख तो रह जाएगा। ठाकुर जी बोले अरे दाऊ हमारो बड़ो भैया है, पी जाए तो पी जाए, या मैं तू दाऊ को भयकाय को दिखाई रही है, पी जान दे। तो मैया बोली ये कोई बात ना है, दाऊ तो पीवो ही करे और तू भी पी, पर समस्या तो तेरी है, या इसलिए मैं तेरी समस्या को समाधान करवो चाह रही हूं। ठाकुर जी बोले कौन सी समस्या? बोले तू बार बार रोए कह कहे मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, सूरदास जी का पद है, किते दिन मोई दूध पियत भय है अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, हमारी चोटी कब बढ़ेगी? तो तावत करबुरी का पयह पिवहरे बरधिष्य ते सिखा, देख लाला तेरी चुटिया बढ़ जाएगी। अच्छो चुटिया बढ़ जाएगी मेरी? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए, सुंदर सोने के कटोरा में अधोटा दूध भर के मैया ने बालकृष्ण प्रभु के अधर से लगाया, तो पाया न स्वशिखाम, ठाकुर जी ने तुरंत शिखा की गांठ खोल दी और पीते पीते तुरंत नापने लगे कि कितनी बढ़ गई, और जब बढ़ी नहीं, इतने जल्दी थोड़ी बढ़ती कि दूध पीते ही चुटिया बढ़ जाए, तो जैसे नहीं बढ़ी तो ठाकुर जी फिर रोएवे लगे, मैया तू झूठ बोल के बहकाए रही है, तू कह रही कि दूध पीवे तो चुटिया बढ़ जाएगी और मैंने दूध पियो पर मेरी चुटिया नेकहू नहीं बढ़ी,
मैया बोले ऐसे थोड़ी बढ़ेगी चिटिया, तब कैसे बढ़ेगी, देख पूरो कटोरा को दूध एक सांस में पी जा तो बढ़ जाती। अब तेने बीच में ही हमारी बात पर संदेह कर दियो, बीच में दूध पीवो बंद कर दियो, यही सो चुटिया जैसी की तैसी रह गई, अब कैसे बढ़ेगी। तो मैया ने फिर से पूरा कटोरा भर दिया, वो अब की बार लाला एक ही सांस में पी जा, फिर देख तेरी चुटिया कैसे ना बढ़े। अब हम आपसे पूछते हैं, इतने लाड़ प्यार से लाला है दूध कौन पिवावेगो, बुरो मत मानियो, भले ही हमारे लाल जी की 16108 बहुए हैं, पर जैसे मैया ने दूध पिवायो कि तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, ऐसे दूध 16108 रानी पटरानी भी नहीं पिला सकती। मेरी प्रार्थना है वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जन्मदात्री माता जीवित है, माता का कभी तिरस्कार मत करो, नहीं मातृ समो गुरु हूं, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। इस शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है, भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है, और यह शरीर मां की कृपा से मिला है, मां ने गर्भ में धारण किया है, मां ने लालन पालन किया है, मलमूत्र धोया है, क्या क्या नहीं किया है, माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है जो आधा मंदिर गंगा जी में धसा हुआ, देखा होगा कैसे धसा वो मंदिर। उस मंदिर के निर्माता ने बड़ा भारी भक्त था, मातृ ऋण से उर्ण होने के लिए हम ये शिव मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ये संकल्प जैसे ही बोला मंदिर धस गया। इसका मतलब शिव जी ने कह दिया कि तुम चाहे जितना दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य कर लो, मठ मंदिर बनवा लो, माता का जो ऋण है वो कभी पुत्र से उतरता नहीं है, देवता भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं कर सकते। पर मेरी प्रार्थना है ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वो मां सुनीति माता के समान वैकुंठ चली जाए, तो तुम मातृ ऋण से मुक्त भए, क्योंकि तुमने अपनी माता को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर दिया, और नहीं तो फिर तो जय सियाराम। जैसे सहैव दसवीं पुत्री ही भारम बहति गर्धवी, गधी 10 बच्चे पैदा करती पर सबके साथ मलवाई ढोती है, यही समझ लो। तो माताएं लालन बहुत प्रेम से करती हैं। इसका आशय क्या है कि भोले बाबा कामधेनु स्वरूपा काशी वासियों की व्यवस्था करते हैं, काशी की व्यवस्था करते हैं, पर लाड़ प्यार से रखती हैं अन्नपूर्णा जी। लालतिन च गिरिजासी, काशी में कोई भूखा नहीं रह सकता। आज भी अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी चला जाए काशी में, सुंदर प्रसाद नित्य सबको मिलता है। अरे भोले बाबा स्वयं जहां भिक्षा लेने जाते हो वहां भिक्षाम देहि कृपावलंबन परी माता अन्नपूर्णेश्वरी लालत नित्य गिरिजासी। दूसरा आशय है गोपालक को कृपालुचित विश्वनाथ के जैसा होना चाहिए, और उस गो सेवक की पत्नी को गोपी को भगवती पार्वती के समान गाय का लालन पालन करने वाली होनी चाहिए। माने गो सेवा अकेले पुरुष नहीं, बाहर ले जाके तो चराएगा वो, लेकिन घर में दलिया देना है, बांट देना है, उसको सुंदर हरा देना है, ये कौन देगा, पानी पिलाना है, ये सब कौन कान करेगा, और ये सब कार्य अत्यंत लाड़ प्यार से गृहणियां ही कर सकती हैं। तो लालति नित गिरिजासी, और क्या है, सिद्धि सची सारद पूजहि मन जुगवती रहती रमासी। रिद्धि सिद्धियां इंद्राणी, सची माने इंद्राणी, शारदा माने सरस्वती,
और भगवती महालक्ष्मी भी काशी का दर्शन करके आनंदित होती हैं और मन ही मन काशीपुरी की पूजा करती हैं। और काशी में ये सब देवियां विराजती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और काशी में रहकर काशी की उपासना करती हैं, विश्वनाथ जी की उपासना करती हैं। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है ये चलती फिरती मुक्ति जो कामधेनु स्वरूपा भारतीय देसी गाय है, इस गाय का दर्शन रिद्धि सिद्धि भी इनकी सेवा करती है, इंद्राणी भी सेवा करती हैं, सरस्वती भी सेवा करती हैं, और कहाँ तक कहें लक्ष्मी जी तो बड़े प्रेम से इनको निहारती हैं। अर्थात ये समस्त देवियाँ बड़े भावपूर्वक गौ माता की सेवा करती हैं। इसलिए गाय की सेवा करने वाले को रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त हो जाए। देखो प्रेम का एक सिद्धांत है, हमारा आपसे प्रेम है, ठीक है, और आपका उनसे प्रेम है। अब हम आपसे तो बड़ा प्रेम दिखावें और जिनसे आपका प्रेम है उनको फूटी आंख देखना पसंद न करें, तो हम चाहे जितना प्रेम प्रदर्शित करें आप हमारे प्रेम पर रिझेंगे? आपसे भले ही थोड़ा प्रेम में व्यवहार में कमी कर दें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं यदि उससे हम प्रेम करने लग जाएं तो आपके प्रति हमें हमारे प्रति आपका सहज प्रेम हो जाएगा। इसलिए प्रेम का सिद्धांत है आप जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेमी से ज्यादा प्रेम कीजिए, अपने प्रेमी से अधिक उस प्रेमी का जो प्रेमास्पद है उससे अधिक प्रेम कीजिए। बस ये प्रेम का सूत्र है। अब देखो भगवान शिव गाय से प्रेम करते हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती गाय से प्रेम करती हैं, भगवती रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि वो गाय से प्रेम करती हैं, इंद्राणी गाय से प्रेम करती हैं वो भी सेवा करती हैं, शारदा सरस्वती भी गोमाता की भक्ति करती सेवा करती, भगवती महालक्ष्मी तो गोवर में निवास करती है, गोमये वसते लक्ष्मी। तो जब हम गाय से प्रेम करेंगे और गाय की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तो हमको विश्वनाथ जी की कृपा मिल जाएगी, हमको पार्वती जी की कृपा मिल जाएगी, हमको रिद्धि सिद्धि की कृपा मिल जाएगी और हमको शची शारदा की कृपा रमा की कृपा मिल जाएगी। और एक विशेष बात है, यद्यपि वो हमारा विषय नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो लोग सोचें हमारे ऊपर ही कही जा रही बात, क्योंकि सब तो प्रायः बाबा जी बैठे हैं, गृहस्थ तो एक दो ही लोग बैठे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उसकी गृहिणी की प्रसन्नता प्राप्त कर लीजिए, ध्यान में आई बात? आप किसी व्यक्ति को अपने सर्वथा अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उसकी गृहिणी की कृपा प्राप्त कर लीजिए। क्यों? बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर बड़े ईमानदार होते हैं और वो एक पैसा किसी से नहीं लेते हैं, पर किसी व्यक्ति को जो बहुत चतुर चालाक होते हैं उनको काम करवाना होता वो क्या करेंगे, साहब तो गए हैं ऑफिस में और वो घर में आ जाएंगे, माताजी करके चरण छू लेंगे, कभी कोई धीरे से एक बढ़िया साड़ी ले आएंगे, कभी कुछ मिठाई ले आएंगे, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कोई बढ़िया उपहार ले आएंगे चोरी छिपे, और कहते क्या कोई काम नहीं अपना क्या है, हम तो बड़ी श्रद्धा है आपके प्रति, ये देखो अमुक त्यौहार है आज ये चीज़ लाएँ आज एक चीज़ लाएँ, माताएँ प्रसन्न हो जाती हैं, फिर माताओं का स्वभाव होता है और सब ठीक ठाक है बढ़िया है मजे में है सब, फिर धीरे धीरे कभी उसकी गृहिणी भी आ जाती है और फिर माताएं जब मिलती हैं तो सब भीतर बाहर की चर्चा गुटके होने लग जाती है, फिर जब एकांतिक क्षण में भी अधिकारी होते हैं
तो फिर वो माताएं कब हूँ का अम्ब अवसर पाए, वो तुरंत कह देती हैं कि देखो भाई अब कुछ भी हो आप, हम ये नहीं कहते कि आप कुछ ली, आप ईमानदार हो, बने रहो ईमानदार, लेकिन उसका काम तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर देख लो। हाँ, गृह युद्ध शुरू। गृह युद्ध जानते हो ना, बड़ा खतरनाक होता है। बाहर के युद्ध से गृह युद्ध ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान करे इस भारतवर्ष में भी कभी गृह युद्ध न छिड़े। अभी तो भगवान की दया से इतना बढ़िया गृह मंत्री है कि पहले तो गृह युद्ध छिड़ेगा ही नहीं, और कहीं छिड़ गया तो गृह युद्ध छेड़ने वालों को इतना बढ़िया सबक मिल जाएगा कि उन्हें छठी के दूध की भी याद आ जाएगी अपने। ऐसा ही सशक्त गृह मंत्री इस देश को चाहिए। रक्षा मंत्री भी बहुत अच्छे हैं, गृह मंत्री भी बहुत अच्छे हैं। इस समय बहुत बढ़िया देश में जो वातावरण है भगवत कृपा से बहुत बढ़िया। बस एक ही बात की पीड़ा बार बार हमारे मन में होती है, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे यह देश गोवध के कलंक से मुक्त और हो जाए। क्या कहना, फिर सोने में सुगंध है ऐसा समझो। तो पुरुष वर्ग की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मातृ वर्ग की कृपा प्राप्त कर लो। पुरुष वर्ग की कृपा तो मिली मिलाई है, अब जगह का नाम लेंगे तो ये YouTube पर भी लोग देख रहे हैं तो वो सुनेंगे तो उनको पीड़ा होगी, इसलिए व्यक्ति का और जगह का नाम नहीं लेते, आसपास के ही क्षेत्र की बात है, ऐसा समझ लो 150 किलोमीटर के भीतर की बात है। एक जगह हम गए, वे पुलिस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हुए थे, ब्राह्मण देवता थे, तो एक प्लॉट था उसमें कथा की व्यवस्था हुई थी। गृहिणी नाराज हो गई, अरे बोले वाह दूसरे के प्लॉट में कथा, पड़ोस में वही था, सारा पुण्य तो उसकी धरती में चला जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? क्या बोले पूरा पुण्य घर में रहना चाहिए भागवत कथा का, आंगन में कराओ, आंगन में जगह नहीं। अब गृहिणी ऐसा उसने हड़कंप मचाया कि वे जो बेचारे अधिकारी थे ब्राह्मण देवता ही थे, बड़े बेबस होकर मेरे सामने उपस्थित हुए, बड़े निराश थे। हमने कही भाई क्या बात है, क्या हो गया आपको शर्मा जी? बोले महाराज हम जीवन भर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे, पर हमारे अधिकारी अभी रिटायर्ड नहीं है, हम तो रिटायर्ड हो गए, पर उनका अधिकार अभी यथावत चल रहा है। और पूरी बात उन्होंने कहा कि वो दरोगा की दरोगा हैं, एसपी की एसपी हैं, आईजी की भी आईजी हैं, जो कुछ आप समझ लो, और हम अब बेबस हैं, बच्चे भी सब उन्हीं के पक्ष में हैं, घर में चलावा उन्हीं का है, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। पंडाल उन्होंने लगने ही नहीं दिया, कल से कथा होनी है। हमने कहा हमें तो कोई समस्या ही नहीं, हमको तो जहां कहोगे वहीं बैठकर भगवत चर्चा करनी है, हम आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं। तो आंगन में ही कथा हुई, बैठने की जगह नहीं थी, लोग छतों पर बैठते थे, बाहर बैठते थे, और लोग खुद खरी खोटी भी सुना के जाते थे, अरे इतनी बढ़िया कथा हो रही, महाराज जी को बुलाया हो, घर में कथा करा रहे हो, अरे ऐसी जगह तो होना चाहिए जहाँ 1000-2000 लोग बैठ सकें। तो ये एक दो घटनाएं नहीं, कई घटनाएं ऐसी भगवान की दया से हमको देखने को मिल गई। तो हमारे अनुभव की बात तो नहीं, पर देखी हुई बात है कि माताओं का पावर कितना होता है। तो माताएं अनुकूल हो जाएं तो पुरुष वर्ग की अनुकूलता हो जाती। और एक बात कहें, कथा के क्षेत्र में तो हमने ये अनुभव किया है 99% कथाएं
पुरुष वर्ग के कारण नहीं होती, माताओं के ही कारण होती है। वो पीछे लग जाती हैं, हमने भागवत बोल रखी है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नाती नता हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गए, सब काम से फारे हो गए, अरे एक बार भागवत तो सुनाए दो हमें, एक बार भागवत तो सुनाए दो हमें। नहीं, पुरुष वर्ग तो बेचारा सोचता है कि बेकार में कुछ पैसा बिगड़ जाएगा, ठीक नहीं, लेकिन नहीं, माताएं ही कराती। तो हमने ये देखा 99% घर में अच्छे धार्मिक कार्यों में भी भूमिका माताओं की ही रहती है। इसका तात्पर्य क्या है हमारे कहने का? हमारे कहने का तात्पर्य है कि काशी वास करने वाले, मर्यादा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक काशी वास करने वालों को रिद्धि सिद्धि, क्योंकि काशी कामधेनु गाय है, इसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान ढूंढिराज गणपति की जो प्रियतमा रिद्धि सिद्धि है उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, इंद्राणी की, सची की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जब इनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी तो रिद्धि सिद्धि के प्रीतम ढूंढिराज गणपति, उनकी कृपा बाकी नहीं रहे, उनकी कृपा भी हो जाएगी, इंद्र की कृपा भी हो जाएगी, ब्रह्मा जी की कृपा भी हो जाएगी, नारायण भगवान की कृपा भी हो जाएगी, शिव जी की भी कृपा हो जाएगी। आप लोग दाऊ जी गए गोकुल के आगे, दाऊ जी, तो दाऊ जी में रेवती माता भीतर खड़ी हैं कोने में, ऐसी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। दाऊ जी बड़े मर्यादा के देवता हैं, वहाँ बगल में नहीं है रेवती जी, सामने हैं कोने में। और पहले रेवती जी का दर्शन किया जाता है, तब दाऊ दादा का दर्शन। क्या लिखा है वहाँ जाके पढ़ लेना, दोहा लिखा है दाऊ जी के मंदिर में, दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए। इसका मतलब कोई इच्छा पूर्ति कामना पूर्ति कराना चाहते हो तो दाऊ दादा के सामने मत पुकारो, रेवती जी के पास जाकर अर्जी लगा दो, रेवती मैया दाऊ जी को राजी कर लेंगी, क्योंकि दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए, वही होता है। तो दो अर्थ हो गए, एक तो काशी की आप मर्यादा पूर्वक काशीपुरी का सेवन करेंगे तो संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी बिना साधना के, और ठीक इसी प्रकार से चलती फिरती काशी मुक्तिक स्वरूपा काशी भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय है, श्रद्धा पूर्वक ये घर में प्रत्यक्ष काशीपुरी विराजमान है, इस भाव से आप गोमाता की सेवा करेंगे तो गोमाता का लालन करने वाली जितनी शक्तियां हैं उनकी कृपा तो आपको मिलेगी, उनका पालन करने वाले जितने देवता हैं उनका भी अनुग्रह आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा। और क्या आगे क्या है? पंचाक्षरी प्राण मुदमाधव गव्य सुपंच नदासी, पंचाक्षरी प्राण मुदमाधव, पंचाक्षरी प्राण है, गाय के प्राण क्या है? काशी रूपी कामधेनु गाय के प्राण पंचाक्षरी है, पंचाक्षरी माने पंचाक्षरी शिव मंत्र, पहले नकार है, फिर मकार है, फिर विसर्ग है, फिर शकार, उसमें इकार है, फिर वकार है, उसमें अकार की मात्रा है, फिर यकार है, उसमें अकार की मात्रा है, इस प्रकार से उसको शिव पंचाक्षर कहते हैं, पहले नमः पद फिर शिवाय पद। ये पंचाक्षर जो महामंत्र है ये उसका प्राण है, काशी का प्राण है पंचाक्षर।
काशी का प्राण पंचाक्षर है। पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है। अभी भगवत कृपा से हम लिंग पुराण का पारायण कर रहे हैं, समय नहीं है, नहीं तो पोथी लेकर के उसके मंत्र की महिमा का वर्णन क्या कहना, एक एक अक्षर की कितनी महिमा है। इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया, इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया। पंचाक्षरी प्राण, अब देखिए ये काशी में शिव पंचाक्षर, ये काशी रूपी कामधेनु का प्राण है, और जो गो सेवक गोपालक हैं जिनके घर में भारतीय वेदलक्षणा देसी गाय है उनकी पंचाक्षरी ये नमः शिवाय तो है ही, उनकी पंचाक्षरी क्या है। अब देखो गाय का मंत्र भी पंचाक्षर ही है, जिसका देवी भागवत आदि में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै तीन अक्षर, नमः दो अक्षर, कितने हो गए पांच। तो ये सुरभ्यै नमः ये पंचाक्षरी प्राण है। जैसे बीज में वृक्ष होता है ऐसे ही नमः शिवाय इस पंचाक्षरी में ही काशी प्रतिष्ठित है, ऐसे ही सुरभ्यै नमः इस पंचाक्षरी में वेद लक्षणा गाय प्रतिष्ठित है। इसलिए आप जो चाहो सो इस कामधेनु गौ माता के इस मंत्र से आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो, शिव पंचाक्षर से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। वेद में स्पष्ट पंचाक्षर का वर्णन है यजुर्वेद में, और मंत्रों का तो कहीं उपनिषदों में तो आया है, पर वेद के मंत्र में वेद पाठ के क्रम में स्पष्ट मंत्र का उपदेश ऐसा जल्दी प्राप्त नहीं होता है। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो नमः शिवाय, ये पूरा पंचाक्षर मंत्र इसमें आ जाता है, नमः शिवाय। आदि शंकराचार्य भगवान ने तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र ही लिखा है, नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनींद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय, दोनों पाठ हैं,
यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पूरा एक एक अक्षर का। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी प्राण और सुरभ्यै नमः ये पंचाक्षरी प्राण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुदमाधव, मुदमाधव का अर्थ क्या है? इसका मोद भीतर का आनंद, ये माधव है। श्री बिंदु माधव भगवान। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। माधव नाम के कई तीर्थ काशी में हैं, लेकिन उन समस्त माधवों में प्रधान हैं श्री बिंदु माधव जी। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बिंदु माधव भगवान के लिए एक स्वतंत्र पद विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मन माधव को नेक निहार। बहुत सुंदर पद है। महाराज जी पंचाक्षर के संबंध में लिखा है कि प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर नाग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है, तब परम तत्व शिव तत्व एकाकी रहता है। उस समय वेद और शास्त्र पंचाक्षरी में ही निवास करते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो जिस पंचाक्षरी में वेद आदि शास्त्रों का निवास है उसी पंचाक्षरी का आश्रय लेकर के वे संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों का अनुसंधान करते हैं और वेद के अनुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं, वेदानुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी के पांच मुख थे पहले, फिर एक मुख मस्तक काट दिया था भैरव जी ने, तो चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। उनको पांचों मुखों से वे पंचाक्षरी का जप करके, पांच अक्षरों का जप करके उन्होंने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की थी, ऐसा महाराज जी वर्णन है। तो ये पंचाक्षरी प्राण हैं और माधव, बिंदु माधव भगवान जो हैं वो यहाँ का मोद हैं, यहाँ का आनंद हैं। वस्तुतः बिंदु माधव भगवान के ही संकल्प से ये मनोहर पुरी प्रकट हुई। आगे इस बात को कहेंगे, केशव रची, स्वयं भगवान ने अपने संकल्प से भोले बाबा के रहने के लिए पुरी प्रकट की है। इसलिए जहाँ शिवजी की पुरी यह है, वहाँ नारायण भगवान के संकल्प से प्रकट हुई श्री नारायण पुरी भी है। ये है हरिहर, दोनों की पुरी है। और हरिहर में भेद नहीं तो हरिहर की पुरी में भेद कैसे होगा? इसलिए हरि की पुरी भी है और हर की पुरी भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। और क्या है, कहते हैं गव्य सुपंच नदासी। गंगा जी में पांच नदियों का संगम है, इसलिए उसको पंचगंगा कहते हैं, पंच नदा पंच गंगा कहते हैं। और गाय में भी पंचगव्य होता है, दूध दही घृत गोबर और गोमूत्र, ये पांच गाय के पदार्थ हैं, गव्य पदार्थ। तो ये पांच गव्य पदार्थ हैं और वहां पांच नदियां हैं, तो ये साम्यता है, वो पंचगव्य है। इसका मतलब है काशीपुरी कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ में, पंचगव्य पंचगंगा तीर्थ में स्नान करने से भी जैसे पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी इन इन तीर्थों के अवगाहन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर जहां केवल गाय के अर्थ में गाय ही काशीपुरी है कलयुग में, और गाय की सेवा से काशीपुरी के मोक्ष लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो भाव कहा जा रहा है इसके पीछे बात यही है कि ये काशी रूपी कामधेनु गाय जो हमारे घर में विराजमान है, इसमें ये पंचनद तीर्थ क्या है, बोले ये जो गाय का पंचगव्य है यही है जिसकी एक बूंद भी अनंत पाप राशि को जलाकर भस्म कर देती है। घी दूध गोमूत्र इस सब का प्रमाण है कितना कितना होना चाहिए, कुल मिलाकर 16 तोला होना चाहिए। पांचों चीजें मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 16 तोला होना चाहिए। घी दूध गोमूत्र ये चार चार तोला होना चाहिए। और दही एक प्रसृति 16 तोला होना चाहिए, गोबर 3 तोला होना चाहिए। ये सब मिलाकर के पंचगव्य बनता है, बड़ा सुंदर पंचगव्य है। और यहाँ मणिकर्णिका के निकट किरणा किरण नदी धूतपापा नदी का संगम पुराणों में कहा गया है। गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूतपापा, गंगा वरुणा असी किरणा धूतपापा, ये सब मिला करके काशी की पवित्र नदियां हैं, यही यहाँ का पंचगव्य है। और क्या है, बोले आखर विश्व विकासी ब्रह्म जीव सम नाराम नाम युग, आखर विश्व विकासी। निरंतर भगवान विश्वनाथ भगवती अन्नपूर्णा भैरव जी गणपति सब मिलकर के एक साथ भगवान शिव पूरे परिकर के साथ मिलकर निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी राम राम जपते हैं, पार्वती जी राम राम जपती हैं, गणेश जी कार्तिकेय जी भैरव जी नंदीश्वर जी सब राम राम जपते हैं। ये राम नाम क्या है, रकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रामाने जी रकारार्थो रामः है, रकार का अर्थ रामचंद्र श्री राम, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। और रकार और मकार के बीच में अकार है, ये जीव और ब्रह्म के संबंध को जोड़ने वाला अकार है। ये अकार कौन है, अकारो जानकी प्रोक्ता, श्री जानकी जी अकार हैं, अर्थात मकार रूपी जीव को अकार स्वरूपा जानकी जी रकार रूप राम जी की शरण में पहुंचा रही हैं। ये भाव है राम नाम के पीछे। तो ये राम नाम जो है रकार मकार, इसी से संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है, रकार मकार से सृष्टि का विकास हुआ। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं, पूरे विश्व का प्रकाश करने वाला विकास करने वाला श्री राम नाम है, और जीव ब्रह्म के जीव को ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाला भी राम नाम ही है। अब देखो वेद एक कथा है महारामायण में, भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा
उन्होंने कहा कि भगवान, वेदादि शास्त्रों में ओंकार की महिमा, प्रणव की महिमा विशेष रूप में गाई गई है, वो आप भी प्रणव की, ओंकार की महिमा खूब गाते हो, पर हम कभी आपको ओम ओम जपते नहीं देखती हैं। हम सदा देखती आप राम 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 जपते हो, तो ओम ओम क्यों नहीं जपते? जब इतनी महिमा ओम ओम की है तो राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते हो? पार्वती जी ने पूछ लिया शंकर जी से। बोले, देवी, ये बड़ा गुप्त रहस्य है, मैं इसको छिपा के रखना चाहता था, लेकिन अब तुम पूछ ही रही हो, उत्तम अधिकारिणी हो, तो मैं बताती हूँ, बताता हूँ। क्या? तो भगवान शिव का वचन है वहाँ, राम नाम नहा समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायक। मोक्षदायक जो प्रणव है, ओंकार है, वो राम नाम से उत्पन्न है। सरल शब्दों में हम कहें तो राम नाम बाप है और ओंकार उसका बेटा है, जन्य जनक संबंध। राम नाम जनक है और प्रणव उससे जन्य है। अब देखो, प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ है। प्रणव सर्ववेदेशु, संपूर्ण वेदों में मूल प्रणव है, ओंकार है, उसी से वेद प्रकट हुआ है। तो अब प्रणव से वेद प्रकट हुआ और वेद से सृष्टि प्रकट हुई, क्योंकि वेदक ज्ञान का आश्रय लेकर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो वेद से सृष्टि प्रकट हुई और वह वेद ओंकार से प्रकट हुआ और ओंकार राम नाम से प्रकट हुआ, इसलिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वेद का प्रकाश राम नाम से ही हुआ है। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हीम कर को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो, विधि हरि हर मय। ये विधि हरि हर मय क्यों कहा? प्रणव में अकार नारायण है, उकार ब्रह्मा जी हैं और मकार शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही और वो आ ऊ मा ओम, वो राम से प्रकट हुआ है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों राम नाम से ही उत्पन्न है। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम, प्राकृत गुणों से रहित है, ये अनुपम है, और गुण निधान सो महामंत्र जई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महामंत्र। ऐसा सुंदर। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आपने कहे तो दिया कि ओंकार राम नाम से प्रकट है, पर राम से ओम कैसे प्रकट है? अब यहां व्याकरण के विद्यार्थी कोई बैठे होंगे, ऐसे विद्यार्थी नहीं कि जिनको केवल संज्ञा प्रकरण कंठस्थ हो गया, तो नहीं, कम से कम लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी तक भी ठीक से जिन्होंने पढ़ लिया हो, ऐसे विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा राम में क्या है। रा आ और मा, ये है ना, उसका पदच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? रा आ और मा, ये पदच्छेद उसका होगा। ये है, ये है।
पास है कागज, किसी की जरूरत नहीं। ये रा अ और मा, ये हो गया ना, ठीक है, पदच्छेद। अब ये प्रसोदरादि गण में पठित है और महर्षि पाणिनि का सूत्र है प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, इससे वर्ण व्यत्यास हो जाता है। वर्ण व्यत्यास का मतलब है ये जो बड़ा आ था वो रा के आगे आ गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया आ, पहले रा आ और मा था, अब हो गया आ रा और मा, ठीक है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो रेफ को उत्त हो जाता है, ये मकार हस प्रत्याहार में है। हय वरट लण यम गणनम झभय गढ़ दस जव गढ़ दस, यहां तक हस प्रत्याहार है, तो मकार उसमें यम गणनम मकार आ गया कि नहीं, हस प्रत्याहार में आ गया, तो इस रा को ऊ हो गया, ठीक है। अब सूत्र तो याद नहीं, लेकिन प्रक्रिया बता रहे हैं, तो हो गया आ धन ऊ और धन मा, ये हो गया। अब आ ऊ मा हो गया, अब संधि कर दो, आ ऊ में गुण संधि कर दो तो क्या बन जाएगा, आ ऊ मा को संधि करोगे तो क्या बनेगा, ओम, ओम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। इसको दो तरह से लिखा जा सकता, ओम एक और एक ओम। तो ऊपर तो केवल राम नाम था ना, और राम से ओम बन गया कि नहीं, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम से ओम बन गया, ओम से राम नहीं बन पाएगा पर राम से ओम बन जाएगा, हैं? इसलिए राम नाम बाप है और ओंकार बेटा है। दूसरी बात, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदों का मूल है, प्रणव में सबका अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत धारी त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को प्रणव में अधिकार है, सबको प्रणवाधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार। वर्तमान में तो सब माइक पर गायत्री मंत्र के कीर्तन हो रहे हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म ही हो गया, बाकी प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्रणव कितने प्रकार का है, 16 प्रकार का है प्रणव, न्यूंखाहा षोडश, 16 प्रकार का ओंकार होता है। आप लोग बता पाएंगे 16 प्रकार का ओंकार, किस कामना की पूर्ति के लिए किस ओंकार का प्रयोग किया जाए, बड़ी बारीक बात है प्रणव की, बात बहुत सूक्ष्म बात है, उसमें अधिकारवाद अनधिकारवाद है। आप अपवित्र अवस्था में प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकते, पर राम नाम भाये कुभाये अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। आप हर समय राम राम कर सकते हो, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम जप हो सकता है, मन तो पवित्र है, आप निरंतर नाम जप कर सकते हैं। वेद के किसी अक्षर को उलटने का आपका अधिकार नहीं है, वेदाक्षर ज्यों के त्यों बने रहें इसके लिए वेद में घन पाठ जटा पाठ आदि पाठों का प्रवर्तन किया गया है, जिसमें वेदानुपूर्वी वैदिक शब्दानुपूर्वी बदले नहीं, पर राम नाम कहतम मुनीस महेश महातम उलटे सुधे नाम को, कहतम मुनीस
महेश महातम उलटे सूधे नाम को कली नाम काम तरु राम को उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहां मरा मरा जपने पर भी राम राम हो जाता है, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये यही राम नाम से ही वेद का प्रकाश और वेद से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश, इसलिए सब कुछ राम नाम में ही विद्यमान है। और क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी। अब देखो शिव पंचाक्षर में भी पांच अक्षर हैं और प्राण भी पांच ही हैं। प्राण अपान ब्यान समान और उदान, ये पांच ही प्राण हैं। तो पांच प्राण और पंचाक्षर, यही इसके पंच प्राण हैं। ये महाराज जी रुद्रयामल में लिखा हुआ है, पंचाक्षरी में प्राण वायु का निवास नकार में है और इसका स्थान हृदय है। इस नकार के उच्चारण से धन संपत्ति का लाभ होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होती है। नकारे धन संपत्तिर बहुलाभो भविष्यति, आरोग्यम सफलम कार्यम भवेत तत्र न संशयः। मकार ये अपान प्राण का प्रतीक है, हृदि प्राण गुदे पान, मूलाधार चक्र में अपान का स्थान है। वो अपान क्या है? मकारे निधनम नाशः मापदश्च पदे पदे न भोगो लभते तस्य तत्सर्वं निष्फलं भवेत। कहते आपदा अनिष्ट अमंगल का नाशक जो है वो मकार है, जो अपान वायु का स्वरूप है, अपान प्राण का स्वरूप है। और महाराज जी नमः श्री शिवाय, शिकार क्या है? बोले समान रूपक जो समान प्राण जो है उसका प्रतीक वो शी है। इसका निवास कहाँ है? समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान वायु का निवास है। ये क्या करता है? कहते शकारे कार्य सिद्धिश्च सफलंच दिने दिने, कार्य सिद्धि और प्रत्येक क्षण सफल हो जाता है। अर्थ लाभ भवे नित्यम, अर्थ लाभम भवे नित्यम सर्वलाभम भविष्यति, अर्थ लाभ सर्वलाभ हो जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। ये शिकार का महात्म्य है। उदान नाम की जो प्राण वायु है, उदान कंठ देशे स्यात्, कंठ की जो वायु है उसका नाम है उदान, इसलिए ऊर्ध्व श्वास चलता है तो कंठ घर्र घर्र करने लग जाता है। ये वकारे धन नाशन च तत्सर्वम निष्फलम भवेत, अकारे विजयम सौख्यम सर्वलाभम भविष्यति। ये संपूर्ण यश को प्रदान करने वाला जो है उदान नाम का प्राण है, जिसका निवास शिवाय के वकार में है, वा में है। और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला, व्यान सर्व शरीर का, पूरे शरीर में व्याप्त होने वाले वायु का नाम है व्यान। ये व्यान क्या है? यकारे चार्थलावश्च धनधान्य समन्विता, अर्थलाभ धनधान्य सौभाग्यम भवेत तस्य शुभम भवति सर्वदा, उसका सदा शुभ ही होता है। इस प्रकार से ये सुख सौभाग्य शुभ मंगल और धन धान्यादि का दाता। इसका मतलब केवल इतना ही है कि पंच प्राण और समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। और एक विशेष बात कहें, क्या बोले? मुद माधव आनंद घन, पंच प्राण के बाद आत्मा होती कि नहीं? पंच प्राण तो वायु है और उसके भीतर भी आत्मा है,
काशी की आत्मा कौन है, बोले बिंदु माधव हैं, ये उसके आत्मा हैं। और उस आत्मा का प्राण क्या है, तो देखो हरिशरणम मंत्र भी पांच अक्षर का है, हरि शरणम, ये भी पांच अक्षर का मंत्र है, हैं? सनकादिक भगवान निरंतर इसको जपते हैं, तो ये भी अर्थ लगा सकते हो कि ये पंचाक्षर हरिशरणम 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 ये प्राण है। श्री बिंदु माधव भगवान इसके प्रधान देवता हैं, पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान हैं। महाराज जी काशी खंड में लिखा है कि एक बार दिवोदास नाम के राजा ने भगवान शिव से काशी को ले लिया, मांग लिया, और शंकर जी को काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो शंकर जी बड़े व्यथित थे काशी के वियोग से, बड़ा विस्तृत वर्णन है कितने दुखी हैं काशी के लिए शंकर जी। तब शंकर जी ने कहा कि भाई काशी फिर से हमको मिलनी चाहिए, तो भेजा, बड़ा विस्तृत महात्मा है महाराज जी, तो भेजा। पर जिसको भेजते ना शंकर जी काशी, सबसे पहले ढूंढीराज गणपति को भेजा, बोले जाओ कुछ ऐसा काम करो काशी में जा करके कि फिर से काशी में हमको रहने का मिल जाए, जाओ राजा के साथ संवाद स्थापित करो। तो देवोदास के पास गणेश जी पहुंचे। अब काशी में कई विनायक हैं, कई गणेश हैं काशी में, समस्त स्वरूपों में विनायक वहां पहुंचे, 64 विनायक हैं जाने कितने विनायक हैं, वो उस उतने स्वरूपों में गणेश जी पहुंचे। अब पहुंचे तो महाराज देवोदास ने उनकी इतनी सेवा की कि वे उन्हीं को वरदान देने लगे, वहीं बस गए। फिर 64 योगिनियों को भेजा, वो भी वहीं बस गई। नवदुर्गा को भेजा, वो भी वहीं बस गई। भैरव जी को भेजा, वो भी वहीं बस गए। जिसको भेजते हैं बस वही जाकर वहीं बस जाता है, सब उन्हीं का हो जाता। इतने विलक्षण राजा थे देवोदास जी। महाराज यहाँ अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या करके भगवान बिंदु माधव को प्रसन्न किया और कहा कि इस तीर्थ पर आप सदा निवास करें। तो भगवान बिंदु माधव रूप से और उन ऋषि के ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हो गए, और आज भी भगवान बिंदु माधव नाम से पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान है, अग्निबिंदु ऋषि। तो बिंदु शब्द जो है वो अग्निबिंदु ऋषि का आ गया, और माधव शब्द जो है भगवान का वाचक है। तो भगवान उन ऋषि की स्मृति में भगवान का नाम बिंदु माधव है। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। जैसे पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर में पाप नहीं ठहरता, ऐसी काशी रूप कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ का सेवन करने वाले के भीतर पाप रहता ही नहीं है। और राम नाम को इसका विश्व को विकास करने वाला का इसका मतलब क्या है कि काशी के कण कण में राम नाम व्याप्त है, क्योंकि शंकर जी और कोई काम ही नहीं करते हैं। एक ही आवाज काशी की गली गली में घूम घूम कर शंकर जी लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। भगवान शिव आवाज लगाते हैं काशी में, काशी वासियों सुनो सुनो सुनो, इन कर्ण के पुटकों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो, खूब कीर्तन करो, खूब राम नाम का अमृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बीथ्या बीथ्या मटति जटिलम जटिलो कोपि काशी निवासी। ऐसे जटाधारी काशी निवासी भूत भावन विश्वनाथ राम नाम का रस पियो 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 ऐसी आवाज लगाते हुए घूमते रहते हैं। वैष्णव मताज भास्कर में जगत गुरु श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है, रकारार्थो रामः सकल परमैश्वर्य जलधिर, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः, तयोर मध्याकारो युगल
संबंधयोरनयोर अनन्यारहं ब्रूते त्रिनिगम स्वरूपो यमतुला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां एक विशेष बात है कि वेद विश्वासी को वत्स कहा, ये बात हम पहले कहे हैं लेकिन फिर से याद दिला रहे हैं। वत्स वेद विश्वासी, काशी रूपी कामधेनु गाय का बछड़ा कौन है? वेद विश्वासी। वेद में पुराणों में काशी का जो महात्म्य वर्णन आया है उस महात्म्य पर अक्षरशः विश्वास करने वाला वही बछड़ा है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, अब वृंदावन की बड़ी महिमा है, पुराणों में तो है ही, वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर वर्णन महिमा की है, और हमारी वाणियों में रसिकाचार्यों की वाणी में तो क्या कहना, कितनी वृंदावन की महिमा है। अब विश्वास न करे तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण सरकारी सर्विस में कहीं मध्य प्रदेश में एक जगह थे, सरकारी सर्विस में थे, शिक्षा विभाग की। तो उन्होंने कहा पिताजी से, पंडित जी जब देखो तब छुट्टी ले ली, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। क्या धरा वृंदावन में? अरे हम तो वहीं के ब्रजवासी, कहाँ धरे, वहाँ कचू ना आए, लूट खसोट है, इतनी बुराई करी वृंदावन की, बुराई ब्रजवासी। कान पे हाथ धर लिए, बोले इसलिए मैं तो इधर आ गया, मैं बच्चे बच्चे सब इधर ही हैं, और क्या है वहां कुछ नहीं है, ग्रामीण वातावरण है, यूं है त्यों दुनिया। अब बोलो पैदा यहां भे, मैया बाप पुरखा यहां के, और उनको इच्छा ही नहीं आई भी कि वृंदावन। एक बूढ़ो ब्रजवासी यहां मलुक पीठ आयो, तो गांव के लोगों ने कही, ये राया के आगे एक छोटे से गांव की बात है, राया कितनी दूर है यहां से? ज्यादा दूर ना है राया। गांव के लोगों ने कही, महाराज जी ये पहली बार वृंदावन आयो, आश्चर्य की बात है। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई? बोले 70 साल। 70 साल कहां पैदा? बोले उसी अमुक गांव में। तो वृंदावन अब क्यों आए, अब तक क्यों नहीं आए? अरे बोले बाबा गांव में ही रहे आए, और कहां जाते कहा करते, अपने खेती पाती में मस्त रहे, अपने घर के काम धंधे में मस्त रहे, यहां तो आए हुए को अवसर नहीं मिलो। अच्छो नहीं मिला कोई बात नहीं, और जनेऊ क्यों नहीं पहना तुमने? हमने पूछा ब्राह्मण हो तो जनेऊ क्यों नहीं पहना? तो बोलो बाबा मेरो ब्याह ना है भयो, यही तो मैंने जनेऊ ना है पहनो, हे भगवान पहली बार पता चला। बोले ब्याह में पहराव जाए जनेऊ, हमारो ब्याह भयो ना, तो कहां थे जनेऊ पहन लेते? बाबा इसी स्थान की बात है। मैंने कहा तेरो ब्याह भयो ना है, अब तू कहा करे वो यहीं रह जा। अरे ना है बाबा वहीं ठीक है, मैं तो गांव में ही ठीक है। अरे महिमा तो है, पर वेद में पुराण में इतिहास में संत वाणी में जो महिमा गाई है उसका विश्वास तो करो। यदि धाम की महिमा पर आप श्रद्धा करोगे विश्वास करोगे तो ये धाम ही गाय के समान है, ये आपको शुद्ध कर देगा। गाय बछड़ा बछिया गाय के गर्भ से निकलती है, जेर में लिपटी हुई होती, सनी हुई होती है, गर्भाशय की गंदगी उसके शरीर में लगी रहती है, लेकिन गौ माता जीव से चाट चाट करके उसको इतना निर्मल बना देती है कि थोड़ी देर में वो बछड़ा बछिया फुदकने लग जाता है, उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है। ऐसे ही भैया तुम चाहे जैसे अविद्या माया के मल से सने हुए हो, धाम रूपी गौ माता की शरण में आ जाओ, धाम की महिमा कब में विश्वास कर लो, तो ये धाम ही तुम्हें चाट चाट करके, ये गौ माता है, ये तुम्हें शुद्ध कर देंगे। दूसरा भाव ये है कि गो सेवक कैसा भी मलिन हो,
ईमानदारी से गाय को अपनी मां मान करके उसके चरणों की शरण हो जाए तो गौ माता अपने वात्सल्य से उसको चाट चाट करके निर्मल कर देगी, उसमें मलिनता रहने नहीं देगी। ये दोनों प्रकार के भाव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारितु चरति करम कुकरम करी मरत जीव गन घासी। गाय चारा चरती है तो कर्म कुकर्म सब ये चर जाती है, कासी रूपी गाय। ये हरी हरी घास जो है ना, वो शुभ कर्म रूपी घास जो है हरी हरी घास है, और कुकर्म रूपी सूखी घास है। अब देखो ये कासी रूपी कामधेनु गाय दोनों घास चर जाती है, इसका मतलब है पुण्य भी चर जाती है और पाप भी चर जाती है। और जब तक पूरी तरह पुण्य पाप की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पुण्य पाप से रहित होकर के जीव मुक्त हो जाता है, ये कहने का आशय है। कर्म बंधन से ये गाय मुक्त कर देती है, इसलिए लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति के योग्य वो बन जाता है। बोलो काशी कामधेनु की जय। और ये काशी है कैसी? बोले कहत पुराण रची के सब निज, कहत पुराण रची के सब निज, कर कर तूती कलासी। पुराणों में ये बात लिखी है कि भगवान श्री हरि ने, महाराज जी विवाह हो गया शंकर जी का, लिंग पुराण के अनुसार शिव पार्वती का विवाह हो गया, तो विवाह के बाद आए तो कैलाश। एक बार परिहास में, हंसी मजाक में, सास भी मजाक कर लेती जमाई से, तो हंसी मजाक ने में सास ने भोले बाबा के सामने कह दिया कि ब्याह तो भयो पर हमारी बेटी को ससुराल का सुख नहीं मिला। क्यों? कहे तो मायके में पड़ी रहती हो, तुम मायके में पड़े रहते हो। अब हिमालय कहीं तो एक भाग है कैलाश है, और शंकर जी तो भोले भंडारी, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ा। बोले कोई बात नहीं, क्या ससुराल और क्या बाहर क्या भीतर, रहना ही है, राम राम करना क्या है, ठीक है। पर पार्वती जी को बात लग गई, बोले नहीं बिल्कुल गलत, मेरी मैया ने कहा है ससुराल तो होनी चाहिए। शंकर जी बोले देखो ये सब बनाने बनाने में हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी सुंदर नगरी बनाओ जो न भूतो न भविष्यति, जो धरती से बिल्कुल तीन लोक से न्यारी हो। शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, और जैसे ही शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया बोले लो अब यहाँ बनाओ, त्रिशूल के ऊपर बनाओ। तो भगवान नारायण प्रकट हुए, उन्होंने अपने संकल्प से हैं त्रिशूल पर काशी की भूमि को शंकर जी ने प्रकट किया, और उस भूमि पर मणियों से जटित एक दिव्य नगरी को स्वयं भगवान नारायण ने अपने संकल्प से रच करके बनाया। इसलिए काशी तीन लोक से न्यारी है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की नहीं है, ये विश्वकर्मा और मय दानव की बनाई हुई नहीं है, शंकर जी के त्रिशूल पर है, शंकर जी के संकल्प से प्रकट यहाँ की भूमि है, और भगवान नारायण ने ही इस नगरी का रच पच करके निर्माण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये काशी की बड़ी भारी महिमा है। अब अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी की है। तुलसी बसे हरपुरी राम जपो, तुलसी बसे हरपुरी राम जपो, जो भयो चहे सुपासी। तुलसी बसे हरपुरी राम जपू,
जो भयो चहे सुपासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी छोड़ के कहीं मत जा, काशी में निवास कर। बोले काशी में रह के क्या करेंगे? बोले राम नाम जपो, शिवपुरी में रह करके राम राम जपो। क्यों? बोले इसलिए जपो कि यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने का एक ही साधन है कि इनको प्राणों से अधिक प्यारा राम नाम है, इनको खूब राम नाम सुनाओ। जब कभी एकांत में राम नाम नाम जप करने बैठो तो ये अनुभव करो कि भगवान शिव सामने बैठकर श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी बैठकर श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और इस भाव से नाम ही सामने विराजमान हैं। इस भाव से जब आप नाम जप करेंगे तो महाराजाधिराज पतित पावन श्री नाम महाराज की कृपा से धीरे धीरे दिव्याति दिव्य अनुभूतियों का आरंभ हो जाएगा। वे भावनाएं भावनाएं नहीं रह जाएंगी, वे सब प्रत्यक्ष विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं। कभी ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा कि वो प्रत्यक्ष अनुभव में आने लग जाएगा। राम नाम जप दूसरा भाव, धाम में रहकर नाम जप करो। दूसरा भाव इसमें क्या है? धाम में रहकर नाम जप करो। धाम में भजन से विमुख होकर के, भजन शून्य होकर के जो धाम में रहते हैं, धाम के तत्व का कभी उनके भीतर प्रकाश नहीं होता है। न धाम के प्रति श्रद्धा उनमें जगती है, न प्रेम जगता है, न विश्वास जगता है, और धाम के प्रति निरंतर अपराध पर अपराध बनते चले जाते हैं। इसलिए रूप का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम का आश्रय लेगा, लीला का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम का आश्रय लेगा, और धाम के तत्व का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम का आश्रय लेगा। जो नाम जापक संत यहां ब्रिज में वास कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से धाम को देखो तो धाम क्या है? और जो ऐसे ही पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको पूछो उन्हें कचूना है? उन्हें तो बाहर और भीतर जो सब एक जैसी बात है, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान के धाम में बसकर नाम जप करो, ये तुलसीदास जी महाराज संदेश देते हैं, तभी तुम्हें इसकी दिव्य महिमा का बोध हो जाएगा। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी उदारता का परिचय दिया है। वे कह सकते थे कि राम तारक मंत्र काशी का प्राण है, लेकिन शिव पंचाक्षरी को काशी का प्राण कह करके उन्होंने उदारता का परिचय दिया कि हम जितना आदर षडक्षर श्री राम तारक मंत्र को देते हैं, उससे कम आदर पंचाक्षर शिव मंत्र को नहीं देते हैं। ये तुलसीदास जी की उदारता है और उनकी ये तत्व दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। आज पूरे राष्ट्र को, सनातन धर्म को उस दृष्टि का आदर करना चाहिए। आज भगवान की दया से हम ये सोच के ही आए थे कि आज हमको ये पद पूरा ही करना है, तो आज भगवान की कृपा से ये पद पूरा हो जाएगा। और अब तक तो हम लोग भाव से काशी में रहे, शरीर से वृंदावन में और चिंतन के रूप में काशी में हम लोग रहे, और कल से हम लोग चित्रकूट में रहेंगे। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन कल्प कल्याण बूट। कल इस 23 नंबर पद की चर्चा हम भगवत कृपा से करेंगे, और आगे भी चित्रकूट धाम की महिमा के जो पद हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आज यहीं प्रवचन संपन्न होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।